लास्ट क्लास में टेबल के जो थे कॉलम हमने स्पैन किए थे, मतलब मर्ज किए थे। इसी तरह ये प्रैक्टिकली भी कर लिया था आप लोगों ने, ठीक है, क्लास में भी, और मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने ग्रुप में भी डाला था करके। तो मुझे उम्मीद तकरीबन सब डालते, लेकिन बस कुछ बच्चों का आया दो चार का। तो बहरहाल प्रैक्टिस करें, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये मस्ट है, नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। ये वही कोड है सेम, इसी तरह ये कॉलम को स्पेन या कॉलम को मर्ज करने के लिए था, और दूसरा जो मैंने इस पर रखा है इसका वो बिल्कुल ही अपोजिट है, ठीक है। एग्जाम्पल आपके जहन में है, काफ़ी मरतबा किए हैं आप लोगों ने, अभी मैं घर से रिपीट करने की इसको ज़रूरत नहीं है। फिर भी लास्ट अभी इसको आज वाइंड अप करने के बाद HTML को हम सारी चीज़ें एक एक करके फिर प्रैक्टिस में लेंगे, कोशिश करेंगे ये हमारी क्लास टोटली प्रैक्टिकल में जाए। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें इस पर इंक्लूड करनी है लास्ट की, फिर हम दोबारा आज के दिन कोशिश करें सारा टाइम हम प्रैक्टिकल पे देंगे। जिसको जो समझ नहीं आए वो उस पार्टिकुलर टॉपिक को ले सकता है, उसी पे सिर्फ कोडिंग कर सकता है, जो चाहता है उसको पुरानी चीज़ें क्लियर है वो इसको स्किप करके जो अभी आज हम जो पढ़ेंगे उसको प्रैक्टिकल कर सकता है, वो इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। तो बहरहाल ये वो एग्जांपल है रोज़ को स्पेन करने के लिए। वहाँ पे क्या था उस प्रैक्टिकल में जो कॉलम स्पेन किया था, वो आपको पता है कि दो कॉलम्स को एक उसमें हमने मर्ज किया था। यहाँ पे हम जो है ना रोज़ को मर्ज करेंगे कॉलम्स की सूरत में, ये उसकी कोडिंग है, इसको प्रैक्टिकल में हम लेंगे। मतलब जिसने वो कॉलम स्पेन वाला समझ लिया है वो इसका ये अपोजिट है, ये उसको ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये उसका नेक्स्ट पार्ट था। ठीक है, वही चल रहा है, सेम स्लाइड से मेरे ख्याल से रिपीट हुई अभी तक। अच्छा जी, ये आज का हमारा नया टॉपिक है, टेबल हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। टेबल में कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, ज़्यादातर वही आपका रोज़ और कॉलम्स के ऊपर काम होता है, बाकी डेटा वही है। टेक्स्ट के अंदर जो फॉर्मेटिंग आप कर रहे हैं वही हमारे पास, फ़ॉन्ट के कलर, वो आप जो पुरानी कोडिंग है उसके अंदर डाल के आप जितना उस पर काम कर सको, बॉर्डर कलर वगैरह सेम चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ हम करते हैं इसके अंदर, इंक्लूड जी लिस्ट, वर्ड और बाकी जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पर हम काम करते हैं उसमें भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो हम अलग से सेपरेट एक ग्रुप के शक्ल में उसको मतलब शो कराना चाहते हैं या टाइप करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ उसके प्रिंट आउट उसकी देखें या प्रेजेंटेशन में देखें, वो अलग से हाईलाइटेड हो। हाईलाइटेड करने के लिए बहुत से तरीके हैं, हमने और भी एग्जांपल्स देखे हैं हाईलाइट करने के, लेकिन ये भी एक तरीका है कि आप अपने टेक्स्ट को जो है ना एक ग्रुप के फॉर्म में कैसे शो करते हो, उसके लिए एक हमारे पास है लिस्ट। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैं इसको आपको बताता हूँ कैसा है। लिस्ट आर यूज्ड टू ग्रुप डेटा लॉजिकली, दे कैन बी एडेड टू द HTML डॉक्यूमेंट टू ग्रुप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टूगेदर, ठीक है। लिस्ट क्या करता है, वो एक मतलब टेक्स्ट का एक ग्रुप होता है, ग्रुप से मुराद एक से ज़्यादा लाइनें, ठीक है, वो ग्रुप हो गया, उनको एक अलग सेपरेटली उनको लॉजिकली मतलब मर्ज करता है। कैसे जी, मिसाल की बात है, मैं एक ग्रुप ऑफ टेक्स्ट की बात करूं तो उसमें मैं ले लेता हूं जी गाजर, मूली और भिंडी, केला, सेब, अंगूर। अब इसमें देखो, गौर करो, दो चीज़ें मैं मिक्स कर रहा हूं, कैसे कोई इसको पिक कर रहा है, सब्ज़ी और फ्रूट को मैं मर्ज किया हुआ, ये एक ग्रुप है, ठीक है। अब इनको मैं चाहता हूँ कि सेपरेट हो जाए, फ्रूट सेपरेट हो जाए और वेजिटेबल सेपरेट हो जाए, तो ये चीज़ें मैं ये जो लिस्ट वाला है ऐसे जगहों पे वो काम देगा जी के उन ग्रुप वाले टेक्स्ट को सेपरेटली उनको हाईलाइट करना, बुलेट फॉर्म में या आपका नंबर्स वाले फॉर्म में। बेसिकली यहाँ पे लिस्ट क्या है, जो आपने वर्ड पे पढ़ा था, जो आपका बुलेट वाला ऑप्शन है वो यही चीज़ है, ठीक है। तो ये एग्जांपल देने का मकसद ये है कि आपको समझ आए कि ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, मतलब कोई भी हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो क्यों पड़ती है, उसकी ज़रूरत क्या है कि जी जो आपका टेक्स्ट का ग्रुप है उनको सेपरेटली वहाँ पे प्रिंट करने के लिए या शो करने के लिए डॉक्यूमेंट पे। तो HTML के अंदर जो है ना, हम इस तरह का अगर काम करना चाहें कि कुछ हमारा टेक्स्ट का ग्रुप है हम उनको सेपरेट, जैसे ये एग्जांपल दिया हमने कि भी हम एक पेज बना रहे हैं जिसमें हम वेजिटेबल्स और वो क्या कहते हैं फ्रूट्स इंक्लूड कर रहे हैं,
तो उसमें जी हम चाहते हैं कि ये हमारे जितने आइटम्स हैं वो सेपरेट सेपरेट बुलेट में आ जाए, फ्रूट अलग सेपरेट में आ जाए उनके नाम, और वेजिटेबल अलग एक सेपरेट लाइन में आ जाए। तो ये एग्जांपल, ये चीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब जी बुलेट्स हो गए, अब एचटीएमएल के अंदर वहाँ पे तो हमने सारे बुलेट्स वर्ड्स पे आपने पढ़ ले होंगे, उसमें नंबर भी आ रहा होगा, कुछ सिंबल्स भी होंगे, एबीसी ओ भी होगा, याद आ रहा ना सबको वर्ड, अगर एमएस वर्ड अपने रिवाइज करो जहन में तो वो बुलेट्स से सारे, तो वही चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं। तो यहाँ पे जी क्या किया एचटीएमएल में के जो टाइप्स ऑफ लिस्ट कैन बी इंसर्टेड इनटू एचटीएमएल डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं जी, सबसे पहले मैंने लिया हुआ एक अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर ऑर्डर जी एक तरतीब को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अनऑर्डर से आप खुद पिक कर सकते हो कि वो बेतरतीब मतलब जो होता है वो लिस्ट अगर हम बनाते हैं तो उसमें क्या है, ये एक इसका टैग है यू एल, ठीक है। यू से आप क्यों, इसमें टैग्स में क्या होता है जी एचटीएमएल में, मैंने पहले भी बताया फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जितने भी अपने टैग्स हैं या कोडिंग है उसका जो आपका जो अल्फ़ाबेट है वो उसी वर्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एब्रीवेशन एक तरह से, समझ रहे हो आप। अनऑर्डर में देख रहे हो यू कैपिटल आ रहा है तो यहाँ पे यू इन्होंने ले लिया इसका, तो अनऑर्डर के लिए क्या करेंगे हम यू लगाएंगे और एल क्या है इसका लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द लिस्ट दैट कैन बी एडिड टू एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, एंड अनऑर्डर लिस्ट इज अ बुलेट लिस्ट, बुलेट फॉर्म जो आपके पास जो बुलेट लगाते हैं ये उसका एक कॉमन है, कॉमन फॉर्म जिसको कहते हैं वो है। द आइटम्स आर प्रीफिक्स्ड विद बुलेट्स, प्रीफिक्स मतलब वो जो आइटम से मुराद यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट है आपका, ठीक है। तो टेक्स्ट आपका क्या होगा, वो बुलेट के साथ आएगा, पहला बुलेट बाद में जो टेक्स्ट, आप पूरा लाइन लिखो या एक वर्ड लिखो, डिपेंड्स अप टू यू। द लिस्ट इज इनक्लोज्ड विद इन अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, वो लिस्ट आपका जो भी आप टाइप करोगे वो क्या होगा, एक अनऑर्डर में होगा। अब ऑर्डर में मुराद क्या है, इसमें कुछ समझ आ रहा है या इसको मजीद थोड़ा और समझाऊँ आपको कि ऑर्डर अनऑर्डर का क्या मतलब है। देखो ऑर्डर का मतलब ये होता है कि एक तरतीब, तरतीब कैसे पता चलेगा हमें, 1 2 3 4 ये तरतीब है। अब बुलेट्स में हम देंगे तो बुलेट्स में हम चार सब्जियां लेंगे जी, कोई भी चार सब्जियां आप खुद अज्यूम कर लो, वो हमने चार बुलेट्स लगा दिए। अब हमें नहीं पता चल रहा इसमें कि पहला सब्जी कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, यहाँ चार भाइयों के नाम लिखते हैं बुलेट फॉर्म में तो हमें नहीं पता चलेगा बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, दूसरे नंबर पर कौन सा है, ये अनऑर्डर हो गया बुलेट अगर उसके साथ में देते हैं। अगर हम उन भाइयों के साथ नंबर ऐड कर देते हैं बुलेट फॉर्म के शक्ल में, नंबर दे देते हैं 1 2 3, उससे हमें पता चलेगा पहला भाई ये, दूसरा ये, तीसरा है, ये होता है ऑर्डर और अनऑर्डर। अब हम ऑर्डर पे बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम नंबर एबीसी वगैरह का जिक्र नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम सिर्फ बुलेट को लेके चल रहे हैं। तो अनऑर्डर अगर हम अपने एचटीएमएल में कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए कोड क्या होगा, यूएल, ठीक है। मतलब यू से अनऑर्डर और एल आपका लिस्ट, ठीक है। ईच आइटम इन द लिस्ट इज मार्क विद अ लिस्ट एल आई, जो भी आइटम इंक्लूड करेंगे, ये तो टैग जो यूएल शुरू में, ये एक एग्जांपल, इस तरह आप एचटीएमएल में डालोगे तो वो आपके पेज में शो होगा। तो शुरू करने से पहले क्या करेंगे, जैसे फॉन्ट के लिए हम ब्रैकेट में फॉन्ट करते हैं, अगर बुलेट में कोई चीज़ देना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये टैग लगा यू एल। एच टी एम एल को हम कोडिंग के थ्रू बता रहे हैं कि जी अभी जो नीचे मैं काम करने जा रहा हूँ, नीचे जो टेक्स्ट लिखने जा रहा हूँ, वो मुझे आप लिस्ट के सूरत में डिस्प्ले कराओगे, ठीक है। यू एल का मकसद ये है कि एच टी एम एल इसको पढ़ के समझ जाएगा कि जी अभी जो यूज़र है, जो काम करने वाला बंदा, वो चाह रहा है कि मैं जो भी टेक्स्ट लिखूँगा वो आप उसको एक बुलेट फॉर्म में दो। अब बुलेट फॉर्म में क्या है जी, जितने मैं एल आई लिस्ट लूँगा, जितने लिस्ट लूँगा वो सारे हमारे पास बुलेट फॉर्म में आएंगे। अब ये चार दिन मैंने नाम, दिनों के नाम लिए हैं, उनको मैंने बुलेट फॉर्म में डिस्प्ले करना है। ऊपर वाला कोड वही होगा, वो हमारा कंपलसरी याद कर लो, एच टी एम एल बॉडी हेड टाइटल जो भी है वो वही रहेगा, और एंड पे भी आप जो क्लोजिंग करनी है वो करोगे, बीच में ये कोड डाल दोगे, क्या होगा जो आप पेज रन करोगे ये दिनों के नाम आएंगे लेकिन क्या होगा उनके साथ बुलेट लगा हुआ होगा, ये अनऑर्डर लिस्ट की पहली फॉर्म। इज इट क्लियर, कुछ ऐसी है जो मैं रिपीट करूं, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ नहीं आया इसमें, सिर्फ बुलेट्स पे हम काम कर रहे हैं। सिंपली मैंने इसलिए इसको डिटेल में लिया कि आपको क्लियर हो जाए, मतलब ये पहला किस्म है बुलेट लिस्ट करने का आइटम्स को, आपको वेब पेज में ज़रूरत पड़ेगी, कुछ आप ऐसे वेबसाइट बनाओ जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, कि आप चीज़ों को एक अलग हाईलाइट करो बुलेट के सूरत में या नंबर के सूरत में। तो ये हमारा वो टॉपिक है, ठीक है, जिसमें पहला आपका अनऑर्डर है, आप चाहते हो ऐसे मैं टैक्स को रखूँ जिसमें मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए सिर्फ बुलेट चाहिए, तो आप यू एल यूज़ करोगे, बाकी एल आई यही रहेगा। एल आई जितने भी आइटम के साथ दोगे उसके साथ एल आई लगाते जाओगे, वो सारे क्या होंगे, सबके साथ बुलेट लगाता जाएगा, जहाँ पे आपने यू एल
टैग क्लोज कर दिया, उसके बाद जो भी टैक्स लिखोगे उसके साथ बुलेट नहीं आएगा। समझ आ गई बात? चले आगे, अभी किसी को कन्फ्यूजन? ओके अच्छा जी, अच्छा ये एट्रीब्यूट्स ठीक है। अच्छा ऑर्डर की बात मैं कर रहा था, अब दूसरा हमारे पास फॉर्म था ऑर्डर वाला लिस्ट, इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से अलग से आया तो टाइम नहीं मिला सेट करने का। अब दूसरा हमारे पास, अब ऑब्वियस सी बात है अन ऑर्डर हमने पढ़ लिया, अब दूसरा इसका अपोजिट ऑर्डर ही होगा। वो बेतरतीब था, ये बेहतर तरतीब, जो तरतीब वाइज जो हम लिस्ट रखना चाहते हैं वो ये है। अच्छा ऑर्डर लिस्ट क्या है जी? ऑर्डर लिस्ट आर इनक्लोज्ड विद ओएल, वही बात है जी, एब्रीविएशन ले रहा है पहले वर्ड का, वो आपको कोडिंग करने में आसानी होता कि जी ऑर्डर से मुझे करना है तो ओएल वाला कोड यूज़ करूँगा मैं, अन ऑर्डर करना है तो मैं यूएल वाला यूज़ करूँगा ताकि आपको कोड जल्दी से पिक हो जाए। ठीक है, वही सेम है, सिर्फ हमने यहाँ अन ऑर्डर की जगह इसको ऑर्डर कर दिया और इसी तरह इसको हमने LI कर दे। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा, इसको 1 2 3 में ही कर देगा ऑर्डर फॉर्म में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जी 1 2 3 ऑर्डर में नहीं हो, ABC हो, ये रोमन हो, ये मैंने इनके एट्रीब्यूट्स यहाँ लिख दिए, इस वजह से आप अगर इस OL के बाद स्पेस दोगे, OL के बाद स्पेस देके टाइप करके इसको इक्वल टू ये कैपिटल I लिखोगे ना तो ये रोमन आ जाएगा आपका, कैपिटल रोमन जिसको कहते हैं, वो रोमन नंबर में वो आपका लिस्ट ऑर्डर वाइज लिखता जाएगा। इधर मंडे के साथ कैपिटल वो कर देगा अपना रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, 4, इस तरह रोमन में ये 1 2 3। अगर आप इसको ऑर्डर लिस्ट के बाद स्पेस देके टाइप लिखोगे इक्वल टू I, अगर इसी तरह ये वाला लोगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लिस्ट के साथ, उस लिस्ट के साथ जो आप टेक्स्ट है उसके साथ LI करके लिस्ट के साथ स्पेस देके टाइप आप बताओगे कि ये मुझे बुलेट लगा रहा हूँ जो, वो ये टाइप हो, या तो रोमन कैपिटल स्मॉल रोमन, या कैपिटल अल्फ़ाबेट हो या स्मॉल अल्फ़ाबेट हो, ये उसको ऑर्डर, उस लिस्ट को ऑर्डर में पेश करेगा जो ऑर्डर आप उसको दोगे, बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 या तो ये नंबर्स या रोमन। क्लियर हो गया? ये दूसरा तरीका है बुलेट लगाने का HTML के अंदर, अन ऑर्डर, ये ऑर्डर वाला। ठीक है आगे चले, सिंपल वही था, UL की जगह हमने OL किया, लिस्ट वही है, LI, दो सिर्फ टैग्स याद करने हैं इसमें, अभी प्रैक्टिकली करेंगे और मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है अच्छा अच्छा अब इस, ये थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा, काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल लगे लेकिन समझने की कोशिश करो। अब ये एक नया टॉपिक है, डीपली हमने पहले कहा था कि HTML में नहीं जा रहे ताकि आपको क्लियर हो जाए, डीपली के लिए तो और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ एम्बेड हो जाती है, बहरहाल वो एडवांस प्रोग्रामिंग की कोर्सेज में शामिल हो जाएगा, ये आपके सिलेबस के वाइज से मस्ट है, इसलिए इंक्लूड किया है इतनी सारी चीज़ें। बहरहाल तो वहाँ तक हमारा क्लियर हो गया तकरीबन, लिस्टें और ये सारी चीज़ें कर ली, जो जो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट लग रही थी मुझे वो मैंने सारे डाल दी प्रीवियस। ये हमारा लास्ट टॉपिक है HTML के अंदर, फॉर्म्स बनाना, फॉर्म्स। ठीक है अब अकॉर्डिंग टू हम इसको ज़रा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इसकी इंट्रोडक्शन इसका क्या है, फॉर्म्स कहते हैं किसको है, पहले जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं फिर इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अ फॉर्म इज सेक्शन ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स स्पेशल एलिमेंट्स कॉल्ड एज कंट्रोल्स। ठीक है, कंट्रोल्स आर यूज टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड प्रोवाइड सम इंटरैक्शन। अ डेटा दैट इज इंटर्ड बाय द यूज़र कैन बी वैलिडेटेड बाय द क्लाइंट्स एंड स्क्रिप्ट्स एंड देन सबमिटेड टू द सर्वर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है अच्छा जी, फॉर्म ये क्या क्या डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्म क्या होता है जी? फॉर्म जो है ना वो HTML डॉक्यूमेंट के अंदर एक ऐसा सेक्शन है, ऐसा सेक्शन है जो डॉक्यूमेंट दैट कंटेन स्पेशल एलिमेंट, जो जिसमें कुछ खास एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स वही है जो आपको पता है, जितने भी चीज़ें हम उस पर डालते हैं टैग्स की सूरत में वेब पेज पे, वो सारे एलिमेंट्स हैं, पर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो बहरहाल वो जो एलिमेंट्स है, टेक्स्ट है, इमेज है, जो भी एक्सेट्रा आप डाल रहे हो, वो उनको एलिमेंट कॉल्ड एज कंट्रोल्स। अच्छा उनको क्या कहते हैं? कंट्रोल्स। कंट्रोल्स आर यूज टू एक्सेप्ट डेटा। वो उन कंट्रोल्स का काम क्या होता है? वो उस यूज़र से डेटा एक्सेप्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं उसके ऊपर प्रोसेस जी, वो उसके ऊपर इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन किस तरह जी? एक मिनट, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मिसाल की बात है ताकि आपको क्लियर हो। आप स्टूडेंट हो, फॉर्म भर रहे हो, ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हो किसी यूनिवर्सिटी का। ठीक है, उसमें वो सारी चीज़ें मैं कवर अप नहीं करता हूँ, जैसे आपने नाम, आपका वालिद का नाम, ठीक है, कौन से आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब किस उसमें एडमिशन ले रहे हो, वो आपका कोर्स या जो भी है वो डाल दिए,
उसके अलावा आपके अगर चालान नंबर है या बैंक की स्टेटमेंट को इसके वो फिल किए हैं उसका वो देना है जी, फीस सबमिट हो गई है वो चीज़ें। फिर एक बटन होता है लास्ट में सबमिट का, या दूसरा बटन होता है कैंसिल या रीसेट का। ये आपका एक फॉर्म बन गया। फॉर्म आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी जगहों पे देखोगे, प्रैक्टिकल मतलब फिज़िकल फॉर्म में भी देखे होंगे और सॉफ्टवेयर्स पे आपके मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे भी, ठीक है। अब ये जो एचटीएमएल के अंदर फॉर्म्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ये जी आपके एक ऐसा सेक्शन होता है एचटीएमएल के अंदर जिसके अंदर कुछ कंट्रोल्स होते हैं। अब वो उन कंट्रोल्स को क्या कौन कौन से है जी, आपका जो वो टेक्स्ट है जो लिखा हुआ है जी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स आपका जो बॉक्स बना हुआ उसके अंदर आप अपना नाम लिखते हो, या जेंडर जो हम फॉर्म के अंदर एक जेंडर का सेक्शन होता है जी, मेल है या फीमेल है उसको चेक लगाते हैं, वो भी एक कंट्रोल है, ठीक है। या कोई एक टेक्स्ट एरिया सा है छोटा सा बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर कोई रिमार्क्स आपको लिखने हैं वो भी एक कंट्रोल है। बटन खुद जो लिखा हुआ है सबमिट जिसको दबाने से आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है वो भी एक कंट्रोल है। तो फॉर्म ऐसा एक आपका सेक्शन है एचटीएमएल के अंदर जिसके अंदर वो कंट्रोल मौजूद होते हैं। वो कंट्रोल क्या करते हैं, आप यूज़र से डेटा ले लेते हैं, आपका नाम वगैरह जेंडर सब आप लगाओगे जब सबमिट करोगे, वो यूज़फुल चीज़ें वो बैक हैंड पे उसको प्रोसेस करेगा और वो एक सर्वर पे जाके सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ये होता है फॉर्म। कोई ऐसी चीज़ इसमें फॉर्म क्लियर हो गया, फॉर्म क्या होता है उसके अंदर कंट्रोल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब जी फॉर्म कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं अब इसकी बात कर लेते हैं। यूजेस ऑफ फॉर्म इसलिए मैंने डाला है कि ताकि मज़ीद और फॉर्म आपको क्लियर हो। अच्छा, द यूजेस ऑफ फॉर्म्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब आर मैनी एंड आर कंटिन्यूसली इवॉल्विंग, सम टाइप्स यूजेस इंक्लूड। अब फॉर्म्स के बहुत सारी किस्में होती हैं जी, हर जगह पे इदारे में, अपने स्कूलों में, कॉलेजों में, मेडिकल जो एरिया है डॉक्टर्स वाला, जैसे हॉस्पिटल्स के लोग हॉस्पिटल्स में, हर जगह पे कहीं ना कहीं किसी न किसी किस्म के फॉर्म में भरने पड़ते हैं अगर वास्ता पड़े। बहरहाल तो इसमें सबसे पहले एक मैंने लिया। अब क्या है उसमें जी, कैसे यूज़ होता है, कलेक्टिंग। अब उसमें डेटा आपका कलेक्ट करता है, वही मैंने बोला आपका क्या है फॉर्म का पर्पज़ क्या है, डेटा कलेक्ट करना। वो डेटा आपका क्या होता है, वो कंट्रोल्स है सारे। कलेक्टिंग नेम्स, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड अदर इन्फॉर्मेशन टू रजिस्टर यूजर्स फॉर आ सर्विस एंड इवेंट। अच्छा जी, आपका नेम, आपका नाम, पता, टेलीफोन नंबर, वो सारे वो कलेक्ट करता है फॉर्म, और वो किस पर्पज़ के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी। अच्छा, रजिस्ट्रेशन किसके लिए हो सकता है, किसी सर्विस के लिए हो सकता है या किसी इवेंट के लिए होता है। सर्विसेज कौन से हैं जी, एडमिशन हो गया आपका, यहाँ कहीं आप इलाज के लिए जा रहे हो वहाँ पे जी पेशेंट का नाम क्या है जी, क्या मर्ज़ है इसको, कौन से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, वो एक फॉर्म फिल करेगा तो वहाँ पे एक वो भी सर्विस है। कॉलेज में, स्कूल में, इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए वो भी एक सर्विस है। इवेंट में क्या है, इवेंट में जी किसी सेमिनार में आप जा रहे हो, चाहे वो आपका एकेडमिक हो, चाहे किसी फंक्शन हो, किसी ड्रामे का या कोई भी हो, उसमें भी वो एक होता है जो जो प्रोफेशनल वे में होता है ना, तो वो ऑनलाइन देते हैं आपको जी, उस पार्टिसिपेंट का नाम क्या है, वो अपना नाम लिखेगा, नंबर लिखेगा, ताकि ये चीज़ें क्या होती है फर्नल, वो अपने वजूहत की बिना पे उसको रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए रखते हैं, और बाकी और भी वजूहत हो सकती है, इतने डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। बहरहाल तो मतलब क्या होगा, वो डेटा कलेक्ट किया किस मकसद के लिए, रजिस्टर किया एक आपको एक सर्विस या इवेंट के लिए, क्लियर हो गया। दूसरा जी यूज़ क्या है आप इनका जी, उस इंफॉर्मेशन को गैदर किया, गैदरिंग इंफॉर्मेशन फॉर द परचेज ऑफ एन आइटम, कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए, यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग की बात हो रही है, ठीक है, कोई चीज़ वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा फॉर द परचेज ऑफ एन आइटम ख़रीदने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर क्या है जी, इफ़ वी वॉन्ट टू परचेज अ बुक, अगर हम ऑनलाइन कोई किताब ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, इंटरनेट पे, ओवर द इंटरनेट, वी विल हैव टू फिल इन आवर नेम, मेलिंग एड्रेस, मोड ऑफ पेमेंट एंड अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। ऑनलाइन कोई बुक ख़रीदना चाहते हो, बाकी आइटम्स के लिए भी इसी तरह ही होता है, बुक आप ख़रीदना चाहते हो आप अपना नाम दोगे उस पर, आप पता अपना दोगे उस पर, आप फ़ोन नंबर या एड्रेस वो चीज़ें दोगे, और एक पेमेंट का तरीकेकार होगा जी। आजकल हमारा लोकली क्या होता है जी, पेमेंट मेथड क्या है, ईजी पैसा, जैज़ कैश, वो आप वहाँ पर नंबर देंगे, आप अपनी पेमेंट वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दोगे, जैसे ही सबमिट दबाओगे जी वो सबमिट हो गया, वो आगे जिस जो आपका वो है क्या कहते हैं, जो दुकानदार है या जो भी है जो इसको डील कर रहा है उनके पास आपका रिकॉर्ड चला जाएगा, फिर वो प्रोसेस करेगा चीज़ों को, बुक आपके एड्रेस पे वो बाइक कुरियर है जैसे भी वो सेंड कर देगा। तो वरल यहाँ पे जो फॉर्म इस तरीके से काम कर रहा है, आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है, ये दूसरा एग्जाम्पल था ताकि आपको फॉर्म क्लियर हो, इसलिए यूजेस मैंने यहाँ इंक्लूड किए। अच्छा, तीसरा क्या है, एक एग्जाम्पल और मैंने डाल दिया किस तरह जी फॉर्म और यूज़ हो सकते हैं। एक फॉर्म डिजाइन कीजिए, कलेक्टिंग फीडबैक,
फीडबैक अबाउट अ वेबसाइट, फीडबैक अबाउट अ वेबसाइट भी हो सकता है, फीडबैक अबाउट अ प्रोडक्ट भी हो सकता है, फीडबैक किसी भी चीज़ का हो सकता है, सबको पता है, ये वेबसाइट्स पे देखे होंगे आप लोगों ने, ठीक है। मोस्ट साइज रेट ऑफर अ सर्विस इनकरेजिंग यूजर्स टू एंड देयर फीडबैक। अच्छा, अक्सर वेबसाइट पे दिए होते हैं कि पता चले, जो वेबसाइट डिज़ाइनर है, जो उसका ऑनर है, उसको पता चले कि लोग इस मेरे इस वेबसाइट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट वो इसमें देखना चाहते हैं। वो फीडबैक में बेसिकली अपने कमेंट्स, अपने राय देते हैं वो। तो ये भी एक फॉर्म का किस्म है, वहाँ जो एक बॉक्स बना होगा कि यहाँ पे अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक्स दो, नीचे सेंड करने के लिए बटन होगा, कैंसिल का होगा, तो वो भी एक भले ही वो उसमें दो कंट्रोल हो, फॉर्म मैंने क्या बोला वो कंट्रोल्स पे डिपेंड पूरा मुश्तमिल होता है फॉर्म आपका, वो सेक्शन है उसमें एक दो कंट्रोल भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो फीडबैक के अंदर दो चार ही होते हैं, एक बॉक्स होगा एरिया बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, उसके अंदर कमेंट्स लिखने, नीचे बटन होगा सबमिट का, तो वो भी क्या कर रहा है आपका डेटा इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है, आगे फॉरवर्ड कर रहा है। तो अभी तो मेरे ख्याल से फॉर्म क्लियर हो जाना चाहिए, फॉर्म क्या होता है, ठीक है। आगे चले, अभी दो चीज़ें ही पढ़ी अभी, अभी तक हमने एक लिस्ट पढ़ा है, दूसरा फॉर्म पढ़ा है, फॉर्म ही चल रहा है अभी, ठीक है। अच्छा जी, फॉर्म के एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं। फॉर्म के एलिमेंट्स क्या हैं, जैसे हम शुरू से एचटीएमएल जब कर रहे हैं वहाँ पे हम ये कोई भी टैग पढ़ते हैं, उसके एलिमेंट्स होते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स या बिहेवियर होते हैं, तो इसी तरह जी फॉर्म का एलिमेंट है, फॉर्म एलिमेंट का जो ये टैग है ये इसका एलिमेंट है, वही ब्रैकेट्स हैं जो हम बाकी टैग्स के साथ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट इज़ यूज टू क्रिएट द रीजन ऑफ द पेज दैट विल बी ट्रीटेड एज अ फॉर्म, इट स्पेसिफाइज द लेआउट ऑफ द फॉर्म, द एट्रीब्यूट्स इंक्लूड। अच्छा, इसको बाद में देख। अच्छा, फॉर्म इसकी डेफिनेशन जी एलिमेंट की क्या है जी, फॉर्म का जो टैग है वही है, फॉर्म का नाम आप उस ब्रैकेट में लिखोगे। ये इससे क्या एचटीएमएल को बता रहा है कि जी ये जो सेक्शन है एचटीएमएल का मेरे पेज का, ये जो सेक्शन है ये इसको आप कंसीडर करो, क्या समझो ये हिस्सा मेरा फॉर्म का है, यहाँ पे जो भी मैं चीज़ें डालूंगा ये सारे कंट्रोल्स होंगे, ठीक है। तो उसको बता रहा है कि ये लेआउट आपका, ये पोर्शन, ये हिस्सा, ये लेआउट और ये पोर्शन, ये पेज रीजन, ये सब इसका मतलब ये एक ही है कि ये टैग लगा दिया आपने एलिमेंट फॉर्म का कि वो बता देगा अभी ये हिस्सा मेरा फॉर्म का है, यहाँ पे अभी मैं फॉर्म डिज़ाइन कर रहा हूँ उसमें जितने एक दो कंट्रोल डालूँ या बहुत सारे डालूँ, ठीक है। अच्छा, उसमें उसके मजीद एट्रीब्यूट्स क्या हैं जी, दो ही डाले हैं मैंने फ़िलहाल इसमें डिटेल में, और बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन अब इसमें हम प्रैक्टिकली इसको नहीं कर रहे हैं कि सबमिट करना पीछे बैक एंड वाला प्रोसेसर वो नहीं कर रहे, इसीलिए मैंने दो एट्रीब्यूट्स डाले हैं कि फॉर्म के अंदर जो फॉर्म आपने डाला उसका एक्शन और मेथड क्या है जी। अच्छा, फॉर्म का जब वो बटन दबाते हैं वो एक्शन हमारे पास होता है और उस एक्शन के साथ एक मेथड भी होता है, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ फॉर्म कंप्लीट होने के बाद, सारे कंट्रोल्स डल गए, सब कुछ हो गया, अभी जब अब सबमिट वाली बात आती है, जैसे हम कोई चीज़ सबमिट करते हैं एप्लीकेशन है या फॉर्म में, तो ये वो सबमिट वाला सेक्शन आ रहा है। सबमिट हम जब कर रहे हैं तो उसमें जो पहला आ रहा है एक्शन, उसमें एक्शन के अंदर जी क्या होता है, दिस स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ द स्क्रिप्ट दैट प्रोसेस द कंप्लीट एंड सबमिट फॉर्म। अच्छा, अभी प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ मैं आता हूँ, आपको समझाता हूँ कि एक्शन का क्या मतलब है। अब यहाँ पे हमने अपने इंस्टीट्यूट में फॉर्म भरा, ठीक है, वो आपने उसका एक्शन क्या था, आपने सीधा मुझे या किसी टीचर को आपने वो दे दिया, वो आपका एक्शन हो गया सबमिट करने का, मेरे हैंड ओवर कर दिया, मैंने उसको क्या किया एक लोकेशन पे रखा, कहाँ पे, एक स्टूडेंट की फाइल बनाई हुई मैंने, उस फाइल पे मैंने वो लग दिया, उसकी लोकेशन वो हो गई। तो यहाँ पे अब ये क्या है, वो एग्जांपल समझ आ गई, अब यही काम हो रहा है कि वो एक्शन क्या करता है आपका, वो एक्शन स्पेसिफाइज लोकेशन, उस लोकेशन को बताता है जहाँ पे स्क्रिप्ट प्रोसेस दी कंप्लीटेड एंड सबमिटेड फॉर्म, जो आपका फॉर्म बन चुका है, जो फिल हो चुका है, उसको जब आप सबमिट कर रहे हो वो उसको इस लोकेशन पे भेजेगा फर्दर प्रोसेस करने के लिए। मतलब आप अगर अपना फॉर्म एडमिशन का है जो भी है मुझे फिल करके मुझे दोगे, मेरे इंस्टीट्यूट में हो, तो वो मेरे लोकेशन में मेरे फाइल में चला जाएगा, ये आपने एक एक्शन कर दिया। अब फर्द मजीद उसके आगे उस फॉर्म के साथ मैं क्या करता हूँ, वो बाद की बात है, वो देख रहे हो प्रोसेस इज दी कंप्लीटेड एंड सबमिटेड फॉर्म, वो बाद के, वो मेरे एंड का है। आपने क्या किया, सिर्फ फॉर्म बनाने के बाद ये एक्शन वाला हिस्सा किया। एक्शन का क्या मकसद है समझाने का, कि आप जो फॉर्म मुझ तक पहुंचा रहे हो और मैं उसको रख रहा हूँ फाइल में, एक लोकेशन उसको दे रहा हूँ, तो वो उसका एक्शन पर्पज हो गया। समझ आ रही है बात, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक्शन क्या करता है फॉर्म के अंदर, जो फॉर्म का एक हिस्सा है बटन सबमिट दबाने के बाद, दिस स्पेसिफाइज द लोकेशन, ये लोकेशन को बताता है कौन सी लोकेशन की ऑफ द स्क्रिप्ट जो आपका डेटा है, दैट प्रोसेस इज दैट कंप्लीटेड एंड सबमिटेड फॉर्म। अब ये लोकेशन इसने दिया कि जो डेटा है इस फॉर्म के अंदर
वो एक्सेप्ट हो गया और कहाँ चला जाए, एक फाइल के अंदर, ये जावा की एक फाइल बनाई है मैंने, क्योंकि एचटीएमएल के अंदर वो डेटा आपका नहीं जाएगा, वो उधर ही रिफ्रेश होता रहेगा, लेकिन असल में जो डेटा आपने टाइप किया होगा, नाम, एड्रेस, पता, फ़ोन नंबर, जब आप जमा करो दबाओगे एचटीएमएल के साथ, हमें एक जावा की कोड स्क्रिप्ट करनी पड़ती है, वो बेसिकली आपके फॉर्म को, डेटा को रीड करता है आगे भेजने के लिए, चाहे वो आप उसको एक्सेस पे ले जाओ, चाहे किसी सर्वर पे ले जाओ, वो बात की प्रोग्रामिंग है। ठीक है, एक्शन समझ में आ गया। अच्छा, इन द एग्जांपल, अब इस एग्जांपल में क्या है, वही चीज़ अभी मैंने समझा था, द फॉर्म डेटा इज सेंड टू फाइल कार्ड डेटा डॉट जेस, द फाइल कंटेंस आ सर्वर साइड स्क्रिप्ट दैट हैंडल्स द फॉर्म डेटा। अब वो फाइल क्या करेगा, वो उस डेटा को हैंडल करेगा कि जी इसके साथ करना क्या है, वो बेसिकली उस फाइल का, उस स्क्रिप्ट का मकसद यही है कि जो ऊपर आपने फॉर्म बनाया है, जो नंबर और जो कुछ आपने डाला है, एड्रेस वगैरह जो अभी जो फॉर्म में होता है जो आपने देखे, वो सबमिट करोगे, वो जब जाएगा इस लोकेशन पे, वो फिर उसका काम है, उसके साथ क्या करता है, जो प्रोग्रामर ने उसको बताया होगा इसको करने के लिए। ठीक है जी, एक्शन का सिर्फ इतना ही काम होता है कि वो एक लोकेशन पे उसको सेंड कर देगा। अच्छा, लोकेशन पे सेंड करने के बाद दूसरी चीज़ क्या है जी, एक मेथड है, ये भी फॉर्म का एट्रीब्यूट है। मेथड हमारे पास ये है, दो टाइप्स के मेथड होते हैं, इनको दोनों को साथ साथ मैंने इसीलिए रखा है कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। वैसे तो मैं पहले एक को कर लेता, फिर दूसरे को कर लेता, फिर आप हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अच्छा, जब हम बटन दबाते हैं सबमिट का, अभी मैं प्रैक्टिकल बात नहीं करूँ, प्रैक्टिकल आपको समझ आएगा, आपने किसी ने अपना फॉर्म भरा, मेरे हाथ में दे दिया, मैंने उसको डाल दिया फाइल में, ख़त्म। अब वेब पे क्या होता है, आप सबने टाइप किया अपने नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, यहाँ फिर बात आ रही है सबमिट वाली बटन की, जो लास्ट में होता है, उसकी बात कर रहा हूँ सारे में। उसको दबाने के बाद जी वो क्या करेगा, उसको उस फाइल पे भेज देगा। ठीक है, भेजने के साथ फिर एक वो उसका एक एक्शन के साथ, तो वो हो गया एक्शन, भेजने का लोकेशन उसने डिफाइन कर दिया, इस फाइल पे चला जाए ये डेटा। लेकिन दूसरा एक उसके साथ लगा होगा मेथड, वो मेथड आप यहाँ तो गेट लगाओगे, यहाँ तो पोस्ट लगाओगे, ये प्रोग्रामर ने एक सेट किया हुआ, एक बनाया हुआ है फॉर्म सबमिट करने के लिए, एक मेथड, एक तरीके का कि किस तरीके से आप अपना डेटा उस लोकेशन पे भेजना चाहते हो, उस एक्शन पे जो अभी मैंने पहले किया था, किस तरीके से आप उसको उस लोकेशन पे भेजना चाहते हो, उस बीच के प्रोसेस की ये बात हो रही है। या तो आप इस प्रोसेस से भेजोगे, या तो उस प्रोसेस से। पहले मेथड क्या है, दो मेथड होते हैं फॉर्म के अंदर, एक आपका गेट, दूसरा पोस्ट। ठीक है, गेट के अंदर क्या होगा जी, जो डेटा हम भेज रहे हैं वो हार्मलेस, मतलब जो आपका डेटा जो जा रहा है उसके साथ वायरस वगैरह भी हो सकता है, बहुत सारे मामला हो सकते हैं। लेकिन दूसरे एंड पे हम देखें, अगर पोस्ट का मेथड हम लगाते हैं, हम उस फॉर्म को सबमिट करने के लिए, तो डेटा विल बी रीसबमिटेड, द ब्राउजर शुड अलर्ट द यूजर दैट द डेटा आर अबाउट टू बी रीसबमिटेड। उसमें क्या होता है कि जो आपका जो डेटा जा रहा है, अगर उसमें कोई एरर है या कुछ है, वो दोबारा ऑटोमेटिकली ब्राउजर आपका उसको रीसेंड करेगा या रीसबमिट करेगा उस डेटा को। ऐसे आप लोगों ने अगर, जिसने ज़्यादा वेबसाइट्स पे सर्फिंग की है, उनके सामने ये चीज़ें आई होंगी, वो खासतौर पर उनके साथ जो मूवीज़ वगैरह जो डाउनलोड की हैं, जिन्होंने जो देखते नहीं, एक पेज खुलता है, फिर दूसरा खुलता है, अजी वो तीसरा खुलता है, तो वो ये काम हो रहा होता है असल में, क्योंकि वो फिशिंग कर रहे होते हैं, वो कोशिश कर रहे होते हैं आपके सिस्टम में वायरस आ जाए, तो इस तरह के साइटों पे डाउनलोड वालों पे ये काम होते हैं। बहरहाल, दूसरा आ गया आपके पास, कैन बी बुक मार्क, कैन नॉट बी बुक मार्क। अब बुक मार्क क्या है, जिन्होंने सर वेबसाइट ज़्यादा यूज़ किए हैं उनको पता होगा बुक मार्क क्या है। बुक मार्क वो एक वेबसाइट हमें अच्छा लगता है, हम चाहते हैं कि इसको विजिट करते रहें, लेकिन हमें उसका नाम याद रहे, तो उसको हम ऐड टू बुक मार्क कर देते हैं। ठीक है, एड टू बुक मार्क कर देते हैं, ताकि वो हमें दोबारा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़े, ताकि उसका नाम अगर भूल जाए तो कोई मसला नहीं, हमने बुक मार्क में ऐड कर दिया है हमने उसको ना, तो वो वहाँ से हम डायरेक्ट जाके उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो अगर गेट का वो लगाएंगे तो वो क्या होगा, वो जो है ना आपका बुक मार्क हो सकता है, अगर उसके साथ पोस्ट के साथ पोस्ट लगाएंगे तो वो आपका वेबसाइट जो है ना वो उसको कोई भी बुक मार्क नहीं कर सकता, वो उसको उसके एड्रेस URL अपने पास वो उसमें लाइब्रेरी में अपने नहीं रख सकता, उसको हर मरतबा वो आपकी साइट टाइप करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है इसमें, तीसरा क्या है जी, पैरामीटर्स रिमेन इन द ब्राउजर हिस्ट्री, पैरामीटर्स आर नॉट सेव्ड इन द ब्राउजर हिस्ट्री। अब सबको पता है ब्राउजिंग जो हम करते हैं उसकी एक हिस्ट्री जनरेट होती रहती है, कल परसों एक महीने तक, जब तक हम उनको डिलीट ना करें। तो अगर हम उस अपने फॉर्म के साथ गेट लगाते तो क्या होगा, वो पैरामीटर क्या होंगे आपके ब्राउज़र की हिस्ट्री में पड़ी रहेंगी। ठीक है, और अगर पोस्ट वाला मेथड लगाते हैं हम फॉर्म के साथ, तो वो जो भी आपका पैरामीटर है, पैरामीटर से मुराद कुछ भी हो सकता है, आपका टेक्स्ट,
आपका जो टेक्स्ट एरिया है या आपका कोई इमेज है या जो जो आपने फॉर्म में कंट्रोल डाले हुए हैं वो सारे, वो आपके ब्राउजर में सेफ हिस्ट्री में नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, यस वी व्हेन सेंडिंग डेटा द गेट मेथड एड्स द डेटा टू द यूआरएल। अब इसमें जी गेट पोस्ट बहुत से लोग यूज़ नहीं करते हैं अपने फॉर्म्स के अंदर, क्यों नहीं करते हैं कि आपके वो क्या कर रहे हैं, वो बता रहा है डेटा टू द यूआरएल। यूआरएल क्या होता है, वो ऊपर आपका जो एड्रेस है उसके साथ आपका डेटा डाल देगा, आपका नाम, भले ही वो नाम के साथ आगे पीछे सिंबल लगा रहा होगा, आगे पीछे पढ़ने में दुश्वारी होगी, लेकिन डेटा आपका वो जा रहा होगा आगे, जहाँ आप सबमिट जाओगे जिस सर्वर पे आप सेंड कर रहे हो वो यूआरएल पे ऊपर आपका पूरा डेटा, आप उसको कॉपी पेस्ट करो ना किसी वर्ड पे किसी फाइल पे, वो सारा डेटा आपको नजर आ जाएगा, ये तो नाम है, ये नंबर है, ये तो एड्रेस है, ये सब कुछ है। तो गेट का पोस्ट लगाने से क्या होगा, वो सारा आपका यूआरएल में क्या कर रहा है, यही बता रहा है कि आपका वो ऐड होगा। अच्छा, इसकी लेकिन लिमिट होगी, उसकी डेटा तो हो सकता है आपका बहुत बड़ा हो, लेकिन क्या करेगा, सिर्फ 2048 करेक्टर तक ये डेटा उस पर आपके यूआरएल पे करेगा, बाकी वो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हिल गया, चेक करो, वो ये हिल रहा होगा, वो हिल रहा होगा, ये इसकी बात, चलो ओके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, गेट इज लेस सिक्योर। गेट इज लेस सिक्योर, क्यों लेस सिक्योर है, इसका मैंने पहले ही बता दिया कि ये ज़्यादा सिक्योर नहीं है, एतमाद के ज़्यादा काबिल नहीं है गेट वाला मेथड। क्यों, कि आपका जो डेटा है वो पूरा सारा यूआरएल के थ्रू आगे जा रहा है, कोई भी बंदा कॉपी कर सकता है उससे, अपने फ़ायदे की चीज़ें निकाल सकता है, ठीक है। लेकिन भारत दूसरे साइड पे क्या है जी, अच्छा ये मजीद इसको क्या बता रहा है, सिक्योर नहीं है जो इस पर यूआरएल पे डेटा जा रहा है, इस वजह से नेवर यूज़ गेट वैन सेंडिंग पासवर्ड। जब आप जाहिर सी बात है कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं जिसमें हम फॉर्म में मतलब यूज़र रजिस्टर करना चाहते हैं ना, जो भी नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहता है, उसमें अक्सर आप यूज़र नेम पासवर्ड मांगते हैं कि भी आप बना रहे हो तो आपका आईडी क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, आप नया बना रहे हो, तो उस पर अगर गेट मेथड करेंगे तो वो आप जो पासवर्ड वगैरह वहाँ पर डाल रहे हो वो आपका चला जाएगा, अगर कोई और बंदा मिसयूज़ कर सकता है इसको। लेकिन इसी तरह पोस्ट वाज़ इज अ लिटिल सेफर, वो भी सेफ नहीं है लेकिन इससे सेफ है, क्यों, वो ब्राउजर पे उस पर डेटा नहीं जा रहा आपका, इसीलिए लिटिल सेफर गेट बिकॉज दी पैरामीटर्स आर नॉट स्टोर इन दी ब्राउजर हिस्ट्री। वो ब्राउजर के हिस्ट्री पे नहीं जाते हैं बल्कि इन दी वेब सर्वर लॉग्स, जो लॉग्स है, लॉग्स हर कोई बंदा नहीं देखता, जो हैकर टाइप के होते हैं लोग वो इन चीज़ों में घुसते हैं, लॉग्स का किसी को पता ही नहीं क्या होता है। बहरहाल एक हिस्ट्री होती है एक टाइप की, लेकिन वो वेबसाइट्स वेब पेजेस की अलग से सेपरेट, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की होती है। बहरहाल तो वो ये क्या करता है, ये यूआरएल के थ्रू पोस्ट वाला मेथड सेंड नहीं करता, ये सिंपल जो है ना आपके हिस्ट्री में उसको स्टोर ही नहीं करता, वो वेब सर्वर के जो लॉग्स होते हैं उनमें उनको बीच में कहीं ना कहीं डाल देता है, वो लॉग्स बहुत लंबे होते हैं, कौन उनको बैठ के ढूंढे, तो ये थोड़ा सा सिक्योर है बनिस्बत गेट के। अच्छा, इसमें क्या है, डेटा इज़ विजिबल टू एवरी वन इन द यूआरएल। यूआरएल फिर बता चुका हूँ, वो पूरा एड्रेस ऊपर वाला, तो यहाँ पे जो आपका डेटा है उस यूआरएल पे पूरा नज़र आएगा, लेकिन पोस्ट वाले मेथड में आपको डेटा नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ये आप इनको बार बार थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे, थोड़ा समझ लेना, अभी वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ अगर नहीं आया है तो मैं दोबारा भी बता देता हूँ बारह, लेकिन ये आपको जब पोस्ट होती है तो इनको एक दफ़ा फिर से सुना करो, वहाँ बैठा करो, अपने नोट्स बनाओ। ये तो मैं इनको शॉर्ट करके बना रहा हूँ क्योंकि क्रैश क्लासेस का मकसद ये होता है, बहुत डिटेल में हम चीज़ें सारी नहीं डाल सकते, तो इनको रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि आप अपने वर्डिंग में अपने उसमें इन नोट्स को बनाया करो, घर बैठ के इन वीडियोज़ को देखो, इनसे सुनो, पॉज करो, नोटबुक पे लिखो, जो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ में मुँह से निकल रहा हो जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो उसको आप अलग से नोट डाल दो अपने, समझ आ रही है बात, ठीक है। ये दो मेथड्स है, सेपरेट इसीलिए रखा है, स्लाइड्स मिलेंगी, आप इनको फिर कंपेयर कर लेना और मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं आगे। अच्छा जी, ये इसके मेथड्स हो गए, ये हो गया कंप्लीट, वहाँ पे हमने एक्सेप्ट डाल दिया जो मैंने पहले बात की थी, और ये मेथड डाल दिया गेट, यहाँ पे मैं पोस्ट डाल दूंगा तो वो पोस्ट वाला काम होगा, काम वही होगा जो जब बटन दबाएंगे तो गेट लगाने से ये काम होंगे, अगर यहाँ पोस्ट लिखता हूँ मैं मेथड में, बटन दबाऊंगा सबमिट के लिए तो ये वाले काम होंगे, ये काम मैंने दोनों आप लोगों को समझा दिए, जो सा आप फॉर्म के साथ अपना मेथड उसको दोगे एचटीएमएल को, वो आपके डेटा के साथ वही काम करेगा, ठीक है। दोनों का मैंने जो ना बता दिया कि क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, आगे चलें। अच्छा जी, अब फॉर्म के एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं, ये अभी पूरे लेक्चर में मैं इनको रिपीट करता रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ हो सकता है मैंने नाम नहीं लिए हो, अभी बताऊँगा इनको।
इनपुट एलिमेंट्स जो कंट्रोल की भी बात कर रहा था जी, फॉर्म जो है फॉर्म के अंदर कंट्रोल्स होते हैं, वो कंट्रोल्स आपके ही इनपुट एलिमेंट्स को ही कहते हैं। वही इनपुट वायर डिवाइस की वाली की तरह ही है, लेकिन वो एक हार्डवेयर एक फिजिकल चीज़ है। ये आपका जो है ना एक टैग है, ठीक है। इस टैग के थ्रू हमारे सारे जो कंट्रोल्स हैं हम अपने फॉर्म पे एचटीएमएल पे डालेंगे, कोडिंग जितनी भी करेंगे उसका ये बेसिक टैग ये होगा, ठीक है। इनपुट ये याद रखना है आपको। अच्छा, इनपुट टैग एलिमेंट डिफाइंस द टाइप एंड अपेयरेंस ऑफ द कंट्रोल टू बी डिस्प्लेड ऑन द फॉर्म। इनपुट टैग जो है, ये कोड जो है आपका, ये क्या बताएगा एचटीएमएल को, ये उसको बेसिकली बताएगा कि ये किस किस्म का आपका कंट्रोल आप वेब पेज पे रख रहे हो, उसकी शक्ल कैसी होगी, ठीक है, और वो किस तरीके से आपका उस पेज पे उस वेबसाइट पे नज़र आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके मजीद एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, ये जो एट्रीब्यूट नीचे लिखा हुआ है ना मैंने, ये पूरा एक लाइन, ये सिर्फ एक ही कंट्रोल का है। एक ही कंट्रोल से मुराद टाइप पे लगे टेक्स्ट है, बटन है, सबमिट है, इसी तरह रीसेट है, चेकबॉक्स है, रेडियो है, ठीक है। अब ये एक ही टेक्स्ट है, अगर मैं इसको इनपुट टेक्स्ट टेक्स्ट कर देता हूँ, फिर टेक्स्ट का नाम भी मुझे डालना पड़ेगा, उसकी वैल्यू भी है, उसका एक साइज भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ, मैक्स उसका साइज लेंथ कितना होना चाहिए वो डिफाइन कर सकता हूँ। अगर वो ऐसा कंट्रोल है जिसपे चेक या अनचेक लगाना चाहता हूँ तो मैं चेक भी लगाऊंगा। अगर वो ऐसा कंट्रोल है जिसके साथ मुझे एड्रेस डालना है, सोर्स जो है आगे वो इसलिए रखा हुआ मैंने, तो ये सारे एट्रीब्यूट हैं इन कंट्रोल्स के। इन ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, सॉरी एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारे के सारे किसी एक के साथ भी हो सकते हैं, इनमें से कुछ नहीं भी हो सकते, ठीक है। टेक्स्ट के साथ इनमें से कुछ नहीं होंगे, बाकी होंगे। बटन के साथ इनमें से कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगे। सबमिट के साथ इसी तरह कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगे। कुछ ऐसे आपके जो टाइप्स हैं इनपुट के, जिनके साथ ये सारे हो सकते हैं। तो ये हमारे पास टाइप्स हैं सारे इनपुट के, जो फॉर्म के अंदर डालेंगे। फॉर्म के अंदर हम टेक्स्ट भी डालेंगे, फॉर्म के अंदर हम बटन भी रखते हैं, फॉर्म के अंदर सबमिट वाला बटन भी है, फॉर्म के अंदर रीसेट वाला बटन भी डालते हैं। चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स वही होता है जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है जी फॉर्म के अंदर जेंडर लिखना है, मेल है या फीमेल है, तो जेंडर वाले जगह पे चेकबॉक्स हम लगाएंगे, एक मेल दूसरा फीमेल, वो हो गया आपका चेकबॉक्स। रेडियो बटन, रेडियो बटन जो गोल सा होता है फॉर्म के अंदर, जी मुझे एडमिशन लेना है और मुझे 3 कोर्सेज में वो जो है ना एडमिशन लेना है, अब उसमें 5-6 कोर्सेज है, सबके साथ रेडियो बटन आप लगाओगे, आप जिस जिस स्टूडेंट को जिसमें लेना है वो उन सबको जो है ना वो सॉरी ये इसका है, अभी जो एग्जांपल दिया था जेंडर वाला, जेंडर वाले में ये होगा, और अभी जो एग्जांपल दिया मैंने कौन सा कोर्सेज का, वो वहाँ पे आप चेकबॉक्स वाला यूज़ करोगे। 4-5 सब्जेक्ट यूज़ करने तो 4-5 को आप चेक लगा दोगे सबको, ठीक है। कंट्रोल्स सारे आपको मिल गए, कौन कौन से फॉर्म के अंदर कंट्रोल्स रखते हैं। आगे चलें, आप प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर ये आपको चीज़ें क्लियर हो